हाल ही सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म रेस 3 को लेकर चर्चा में हैं। वहीं सिर्फ रेस 3 ही नहीं, सलमान खान 2018 में अपनी कई फिल्मों की तैयारियों में लगे हुए हैं। 2018 में सलमान खान की कुल 4 फिल्में आने वाली हैं। अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के चलते आज सलमान इतने बड़े स्टार बन गए हैं कि उनकी फ्लॉप फिल्में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती हैं। ऐसे में सलमान को एक साथ 4 फिल्मों से मिलकर झिझकते नहीं हैं। अक्षय हो चाहे सलमान खान, ब्लॉकबस्टर तो है लेकिन पकड़ डाला, बार बार किया वही काम। शुरुआती दौर में बॉलीवुड के दबंग खान सूरज बटजात्या की फिल्म मैंने प्यार किया से रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। इंडस्ट्री में बहुत कम ही लोग हैं जिनकी फैन फॉलोइंग सलमान खान की तरह पूरी दुनिया में है। पिछले साल आई सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल फिल्म बनने की कगार पर है। वहीं इसके बावजूद उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी थीं जो कभी थिएटर्स तक भी नहीं पहुंच पाईं। सलमान खान जैसे सुपरस्टार ने अपने फिल्मी करियर में 1 से 2 नहीं बल्कि पूरी 10 ऐसी फिल्में दी हैं जो कभी रिलीज ही नहीं हुईं। आगे जाने सलमान की ऐसी फिल्मों के बारे में पूरी डिटेल और जाने की क्यों रिलीज नहीं हो पाई सलमान की ये फिल्में। रणक्षेत्र, ए मेरे दोस्त, बुलंद राम, राजू राजा राम, दिल है तुम्हारा, घेराव चोरी मेरा नाम, 10, आंख मिचौली।